साबित हो सके. ही इज बीन प्लेइंग इट ऑन द ग्राउंड, सेंसिबल क्रिकेट. बिल्कुल सही कहा, सोच समझ कर खेल रहे हैं और ये बहुत ही आवश्यक है. ऐसा नहीं कि आप हर गेंद पर शॉट लगाए, अंधाधुंध शॉट्स खेले, वैसा नहीं. सुदीप कप्तान आगे से नेतृत्व कर रहे हैं और बखूबी साथ निभा रहे ध्रुव का यहां पर. और इस बार फिर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन 30 गज के दायरे के फील्डर के ऊपर से 4 रन. टाइमिंग बेहतर नहीं था, लेकिन काफी जान थी गेंद में, बाउंड्री को पार कर गई. और उसी के तुरंत बाद फील्ड में परिवर्तन. डीप मिड विकेट जो इस गेंद के लिए मौजूद नहीं था वो फील्ड प्लेसमेंट. मेड इट लुक सो सिंपल. सुदीप जो है ओवर पिच डिलीवरी आराम से उठाया. सम्राट जो है काफी नाखुश थे इस एफर्ट से जो लॉन्ग ऑन में फील करते हुए सम्राट. और अब देखिए फील्ड में परिवर्तन जो डीप मिड विकेट आते हुए. आउटफील्ड भी काफी तेज है यहाँ पर आरके, और एक बार गैप में गेंद निकल जाती है तो फिर रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है. सुदीप को आज एक जीवनदान मिला था, एक आसान सा कैच दिया था, लेकिन उसके बाद अच्छे चौके पड़े. गेंदबाज कैसा महसूस कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब एक आसान सा कैच आप टपका दे और उसके बाद आपको चौके पड़ जाएं. एक और सिंगल ध्रुव के बल्ले से. आई थिंक सुदीप को सिर्फ वहां पे यू जस्ट हैज टू स्टे देयर, सिर्फ सिंगल की जरूरत है. स्ट्राइक दे दो ध्रुव को, क्योंकि ध्रुव काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए. लेकिन डाउन द विकेट एक और शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये छक्का. द कैप्टन ऑन फायर. इस बार कदमों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया उन्होंने, तालमेल भी बढ़िया बैठा बैट और गेंद के बीच, और करारा छक्का उठा के दे मारा था और सीधा दर्शकों के बीच. जीवनदान मिला था और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं यहां पर, और खामियाजा भुगत रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स. और इसी बीच और एक रन, अतिरिक्त रन, और यहां पर कुछ नाखुश लग रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स के समर्थक. क्या लग रहा है? एक और वाइड. आई थिंक लास्ट मैच में जब हमने रांची में तेलुगु वॉरियर्स को देखा, आई थिंक वन ऑफ द की पॉइंट्स जो हैं देवांग, हम उनके डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी तारीफ किया हमने. सेंसिबल क्रिकेट खेला उन्होंने, कभी भी पैनिक नहीं किया. जब भोजपुरी दबंग ने अच्छा स्टार्ट किया तब भी वो काफ़ी डिसिप्लिन रहे, लेकिन आज जो दबाव बना के रखे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स. एक और सिंगल 13 ओवर के बाद 127 दो विकेट के नुकसान पर.